तो हेलो मैक्स आर्मी, इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर आज हम पकड़ने जा रहे हैं तीन टाइनी चोरों को, जिनमें से दो टाइनी चोर तो खुद टाइनी फ्रैंकलिन ही होने वाला है और एक होने वाला है टाइनी पुलिसमैन। और तीनों चोरों ने बड़े वाले फ्रैंकलिन की नाक के अंदर वही दम करके रखा हुआ है। तो बस आज हमें इन तीनों टाइनी चोरों को पकड़ना है और बड़े वाले फ्रैंकलिन को उसका सामान दिलवाना है। और गाइस आप लिटरली यकीन नहीं करोगे, क्योंकि इनमें से एक चोर ने तो फ्रैंकलिन का पूरा कंप्यूटर सेटअप ही चुरा दिया है। और भाई पता नहीं इनके पास ऐसी कौन सी मशीन है जिसको यूज करने के बाद इन तीनों चोरों ने फ्रैंकलिन की सारी चुराई हुई चीजों को टाइनी बना दिया है। दूसरे चोर ने तो भाई हद ही पार कर दी और वो तो पूरा शोरूम ही लेकर भाग चुका है, जिसके अंदर फ्रैंकलिन की बहुत ही कीमती स्पोर्ट्स कार पड़ी हुई थी और उसके अंदर फ्रैंकलिन का एक हॉर्स भी था। बाकी हम ये भी देखेंगे कि आखिर फ्रैंकलिन के टाइनी डायनासोर पेट को किसने मारा और फ्रैंकलिन आगे क्या क्या करने वाला है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, बाकी अब जल्दी से चलते हैं और उन तीनों चोरों की बैंड बजाता है। ऑलराइट गाइस, चलो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस टाइनी फ्रैंकलिन ने सच में मेरा कंप्यूटर सेटअप चुराया है या फिर नहीं। ये देखो गाइस, यहाँ से भाई मेरा पूरा कंप्यूटर सेटअप ही गायब हो चुका है यार। इस पर ना मैं बहुत काम करता था और कभी कभार थोड़े बहुत गेम्स भी खेल लिया करता था। चलो देखते हैं कि उस टाइनी फ्रैंकलिन ने अपने कंप्यूटर सेटअप को कहाँ पर छुपाया हुआ है। वेट, ये क्या हो गया भाई, ये मैं कहाँ आ गया? अच्छा ओके, ये तो न्यूज चैनल का हेलीकॉप्टर है जो कि उस टाइनी फ्रैंकलिन के बारे में सारे लोगों को बता रहा है। भाई साहब ये देखो गाइस, ये रहा वो टाइनी फ्रैंकलिन और इसने तो मेरे कंप्यूटर सेटअप को भी टाइनी बना दिया है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये टाइनी फ्रैंकलिन आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर कैसे पहुंचा और ये कर क्या रहा है भाई। गाइस मुझे लगता है कि ये ना उस कंप्यूटर को स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है। चलो चलो, यही अपने पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है उस टाइनी फ्रैंकलिन को रंगे हाथों पकड़ने का। तो प्लान ये है गाइस कि वो टाइनी फ्रैंकलिन बैठा हुआ है इस बिल्डिंग के ऊपर, तो हमें अपनी थार से उस रैंप के ऊपर से जंप लगाना है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हम उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाए। गाइस देखो, मुझे पता है कि ये ना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन हमें उस टाइनी फ्रैंकलिन चोर को पकड़ना ही होगा, वरना यार अपना फ्रैंकलिन बुरा मान जाएगा। ठीक है, हम पोजीशन पर आ चुके हैं और मैं एक काम करता हूं कि पहले ना थोड़े कम स्पीड के अंदर अपनी थार को भगा कर देखता हूं। क्या पता भाई हम एक बार में उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाए। ठीक है गाइस, मुझे लगता है कि इतना डिस्टेंस काफी रहेगा और अगर मैं ज्यादा पीछे गया ना तो फिर अपनी गाड़ी की जो स्पीड है वो भी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी और हम उस बिल्डिंग के ऊपर जाने के बजाय को ही पार कर देंगे। चलो अब देखते हैं कि अपना पहला टेस्ट कैसा जाता है। ओके, फिलहाल तो अपनी गाड़ी एक बढ़िया डायरेक्शन में जा रही नहीं थी। भाई ये कहाँ जा रही है? अरे नहीं थार, अपने को एयरपोर्ट में नहीं घुसना है यार। ये लो गाइस, अपना पहला टेस्ट ही फेल हो चुका है और हम बिल्डिंग के ऊपर जाने के बजाय उड़ते हुए सीधा ही अपने एयरपोर्ट के अंदर लैंड कर चुके हैं, वो भी बिना टिकट के। चलो भाई जो भी है, अगली ट्राई के अंदर तो पहुंच ही जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो ये है अपना दूसरा टेस्ट और इसके अंदर तो हम उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंच कर ही रहेंगे, बस अपनी गाड़ी का एंगल चेंज ना हो जाए। ओके, हम एक बार फिर से बिना टिकट के उड़ रहे हैं। भाई ये क्या हो रहा है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। व्हाट, अरे यार ये क्या था, अपनी गाड़ी लिटरली कुछ इंचेस से बच गई यार। थार ऐसा मत किया कर यार, थोड़ा तू भी इधर उधर हो जाया कर। अब देखते हैं कि हम उस बिल्डिंग के ऊपर कितने टेस्ट करने के बाद पहुंच पाता है। ठीक है, इस बार सब कुछ सही है, बस अपनी गाड़ी अपना एंगल चेंज ना कर दे। अरे ये कहाँ जा रही है? भाई ये सब हो क्या रहा है यार, कभी अपनी गाड़ी ना एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है तो कभी अपनी गाड़ी सिर्फ एक दो इंच से बच जाती है और इस बार तो हम सीधा ही अपने पुराने घर के बाहर आ चुके हैं। वैसे चलो ये भी बढ़िया ही हुआ, इसी बहाने हम अपने पुराने घर तो आए। ऑलराइट गाइस, बहुत हो गया टाइम वेस्ट, अब अगर मैं इस बिल्डिंग के ऊपर जंप नहीं लगा पाया तो मैं इस पूरे बिल्डिंग को एक रॉकेट लॉन्चर की मदद से उड़ाने वाला हूँ और साथ में उस टाइनी फ्रैंकलिन को और अपना कंप्यूटर सेटअप को भी बाय बाय बोल दूंगा। ठीक है गाइस, मुझे कुछ अच्छा होने की बू आ रही है। ओके ओके ठीक है। भाई साहब ये लो गाइस, फाइनली यार इतनी कोशिशें करने के बाद हम इस बिल्डिंग के ऊपर पहुंच चुके हैं और भाई यहाँ से नजारा कुछ और ही दिख रहा है। चलो अब उस टाइनी फ्रैंकलिन चोर को पकड़ते हैं और अपना कंप्यूटर सेटअप उससे हड़पते हैं। ये देखो गाइस किस तरह से ये महाशय बड़े आराम से कुर्सी मुर्सी लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो भागने की बजाय ये पूरी तरह से शॉक के अंदर जा चुका है और भाई इसको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आ रहा है। चल टाइनी चोर, मैं तुझको बड़े आराम से इस कंप्यूटर सेटअप को कैसे ऑन करना है और कैसे चलाना है सब कुछ बता दूंगा, बस ट्यूशन की फीस भर देना। वेल गाइस, ये तो ट्यूशन की फीस भरने से रहा, तो मैंने इसको और अपने पीसी को अपने पॉकेट के अंदर रख दिया है और इस टाइनी चोर ने मुझे बताया कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये मेरे कंप्यूटर सेटअप फिर से बड़ा कर देगा। तो चलो अब यहाँ से लगाते हैं जंप और किसी भी एक प्राणी की कार को लेकर अपने घर चलते हैं। गाइस मैंने ना इस टाइनी चोर को काफी कुछ पूछा लेकिन यार ये तो कुछ बता ही नहीं रहा है। वैसे इसने मुझे एक सीक्रेट मशीन के बारे में जरूर बताया है लेकिन उसने कहा कि वो मशीन मैं सिर्फ तुम्हें ही देने वाला हूँ। देखते हैं कि वो सीक्रेट मशीन आखिर क्या होने वाली है और उसको यूज करने के बाद ऐसा
क्या खास होगा कि इस टाइनी फ्रैंकलिन ने मुझे आगे बताने से मना ही कर दिया। ऑलराइट गाइस, तो हम अपने घर पर आ चुके हैं, तो जल्दी से मैं अपने पीसी को फिर से बड़ा करके यहाँ पर रख देता हूँ। फिर मुझे शोरूम भी जाना है अपनी गाड़ी और अपने घोड़े को लेने के लिए। तो गाइस फाइनली अपना पूरा पीसी सेटअप रेडी हो चुका है और इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। वेट, ये किसका मैसेज है? भाई साहब ये कौन है और इसके पास से शोरूम क्या कर रहा है? वेट, ये तो मेरी स्पोर्ट्स कार है और ये रहा अपना हॉर्स। अरे यार अब ये कौन सी परेशानी है? तो गाइस उन टाइनी फ्रैंकलिन चोरों में से दूसरे चोर ने ना सिटी का पूरा शोरूम भी छोटा करके चुरा लिया है। और खास बात तो यह है कि उस शोरूम के अंदर मेरी स्पोर्ट्स कार भी पड़ी हुई थी और मैंने अपना हॉर्स भी वहीं पर बांध रखा था। लेकिन क्योंकि उस टाइनी फ्रैंकलिन चोर ने उस शोरूम को भी टाइनी बना दिया, इसलिए उस शोरूम के अंदर जितनी भी चीजें थी वो भी उसके साथ साथ छोटी बन चुकी है। तो मैं जा रहा हूँ पहले अपने शोरूम के पास और देख कर आता हूँ कि क्या सच में अपना शोरूम वहाँ से गायब ही हो चुका है या फिर किसी ने मेरे साथ एक बहुत ही गंदा मजाक किया है। भाई आज ना पूरा शहर खाली खाली सा लग रहा है। वेट, ये क्या? यहाँ पर तो सच में कोई भी शोरूम नहीं है। भाई साहब क्या बंदा है यार वो, उसने लिटरली एक इतने बड़े शोरूम को एक टाइनी शोरूम के अंदर बदल दिया है। तो गाइस मुझे उस टाइनी फ्रैंकलिन चोर की लोकेशन का पता चल चुका है और वहां तक मैं अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकता क्योंकि वो जगह ना काफी ज्यादा दूर है। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने सिटी के ट्रेन स्टेशन के पास, वहां से मैं एक टिकट लेने वाला हूँ और फिर हम चलेंगे उस टाइनी चोर को पकड़ने के लिए। ऑलराइट, मैं ट्रेन स्टेशन पर तो आ चुका हूँ लेकिन मुझे अपने कोच का नंबर मिल नहीं रहा है। नहीं, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये रहा अपना कोच, चलो इसी दरवाजे से चलता है। तो गाइस इतनी लंबी जर्नी करने के बाद फाइनली ट्रेन ने मुझे अपनी डेस्टिनेशन पर उतार दिया है और मैं जा रहा हूँ उस टाइनी चोर को पकड़ने के लिए और अपना सामान उस टाइनी चोर से छुड़ाने के लिए। एक तो ना यहाँ पर मुझे एक भी टैक्सी नहीं दिख रही है, यानी कि अब मुझे वहां तक पैदल ही जाना होगा। वैसे भी वो जगह ज्यादा दूर नहीं है, हमें बस बीच तक पहुंचना है। भाई यार इस टाइनी चोर ने तो मुझे बुरी तरह से थका दिया है, मैंने जितनी बॉडी बनाई थी लगता है कल तक ये सारी पंक्चर हो जाएगी। ओके, तो फाइनली हम उस टाइनी चोर की लोकेशन तक आ चुके हैं, अब बस वो ज्यादा दूर नहीं है। चढ़ना है यार, फ्रैंकलिन क्या कर रहा है? ओके, यहाँ से चढ़ता है। आहा, ये देखो गाइस क्या मस्त तरीके से बढ़िया कुर्सी उर्सी लगाकर बैठा हुआ है ये चोर। और मेरा हॉर्स कितना खुश हो गया है मुझे देखने के बाद। यार मुझे अब तक एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये टाइनी चोर इतनी बड़ी बड़ी चीजों को इतनी दूर दूर तक कैसे लेकर जा रहा है। यार चलो अब जो भी है ये तो मैं इस टाइनी चोर को पकड़ने के बाद इसी से पूछ लूंगा। ओके टाइनी चोर, तेरी छुट्टी के दिन अब खत्म हो चुका है, अब चल घर चलने का टाइम आ चुका है। भाई साहब इन टाइनी चोरों ने तो मुझे बुरी तरह से थका दिया है आज। चलो इसको भी मैंने अपने पॉकेट के अंदर रख दिया है और इसको मैंने बोला कि अपने शोरूम को भी थोड़ा और टाइनी बना दे ताकि मैं उसको भी अपने पॉकेट के अंदर रख सकूं। गाइस सबसे मुश्किल पार्ट ना इस चोर को पकड़ना नहीं था, बल्कि सबसे मुश्किल पार्ट तो ये था कि मुझे ना वहां से इतनी दूर तक चलकर आना पड़ा, जिसके अंदर भाई मेरी पूरी हालत खराब हो चुकी है। अब अगर मुझे कोई टैक्सी वगैरह नहीं मिली तो भाई मैं तो आज कहीं नहीं जा रहा। ये देख रहे हो गाइस क्या बात है यार, मुझे तो ये जगह ना काफी रिच लग रही है। भाई यहाँ पर किसी का प्राइवेट प्लेन पड़ा हुआ है और जब मैंने टैक्सी के लिए फोन किया तो देखो भाई क्या टैक्सी मिली हमें। वैसे फिलहाल हमें इस टैक्सी को खुद ही चलाना पड़ेगा क्योंकि ये टैक्सी इतनी ज्यादा महंगी है कि इसको चलाने का रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहता है। चलो फाइनली मैंने इन सबको भी फिलहाल इस लॉकर के अंदर बंद करके रख दिया और थोड़ा पानी और खाना भी मैंने यहाँ इस लॉकर के अंदर ही रख दिया है। भाई ये कौन कब से मैसेज पर मैसेज किया जा रहा है? वेट, ये तो मेरा पेट डायनासोर है। और अब ये कौन है यार? एक और टाइनी पुलिसमैन, और इसके हाथ में तो एक गन है और ये इस गन को इस डायनासोर की तरफ क्यों कर रहा है? अरे नहीं गाइस, एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। इन तीनों टाइनी चोरों में से एक लास्ट वाला टाइनी चोर बच गया था जिसने मेरे पेट डायनासोर को चुरा दिया है और अब वो मेरे पेट डायनासोर को मारने वाला है। और मुझे नहीं पता कि आखिर वो एक टाइनी पुलिसमैन ऐसा क्यों करेगा। मुझे जितना जल्दी हो सके वहां तक पहुंचना होगा वरना वो टाइनी पुलिस वाला मेरे पेट डायनासोर को मार देगा। वेट, फिर से किसी का तो मैसेज आया है? ओ नहीं नहीं नहीं, उसने मेरे पेट डायनासोर को मार दिया है। वे टाइनी चोर,
अब तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो टायरी चोर इसी जुरासिक पार्क के अंदर गया था। वेट, ये कौन आ रहा है? अरे ये तो उसी टायरी पुलिस वाले की कार है। लेकिन ये कार इतनी बड़ी कैसे हो गई? और वो पुलिस वाला भी बड़ा हो चुका है, मुझे जल्दी से गाड़ी घुमानी होगी। गाइज मैंने जैसे तैसे उस टाइनी पुलिस वाले को पीछे छोड़ दिया है, अब बस मुझे कैसे भी करके उससे आगे जाना होगा। अरे नहीं, ये तो मुझसे आगे निकल चुका है क्योंकि वहां पर उसकी गाड़ी अटक चुकी है और मेरे पास यही सबसे अच्छा मौका है उसको पकड़ने का। अरे नहीं यार, वो फिर से भाग गया। मैं एक काम करता हूँ कि मैं भी इसी रैंप से जंप लगा देता हूँ। ठीक है, होल्ड हो चुका है और ये हम चले। गाइस ये देखो इस टाइनी पुलिसमैन के साथ क्या हो गया। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी इसके पीछे घुमाई तो मेरी कार इसकी कार से ना टकरा गई और हम दोनों सीधा ही नीचे गिर चुके हैं। लेकिन ये टाइनी पुलिसमैन नीचे गिरते ही मर चुका था और इसी ने मेरे टाइनी पेट डायनासोर को अपनी राइफल से भी मारा था। तो गाइस फाइनली हमने सारे टाइनी चोरों को पकड़ दिया है और अपने सारे सामान को भी उनसे छुड़ा दिया। लेकिन इसके अंदर मैंने अपना प्यारा सा टाइनी पेट डायनासोर खो दिया। बाकी आपको आज की ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।